लगे How did this all started? कि जैसे आप रेगुलर वड़ा पाव जो है वो सेल कर रही थी है ना लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी सुनाना शुरू कर दी आज मेरे साथ स्टूडियो में है चंद्रिका दीक्षित स्ट्रेट अवे फ्रॉम बिग बॉस एक बात बताओ जैसे घर से बाहर आप निकली तो सबसे पहले आपने कौन सी क्लिप देखी घर की जिसे देख के आप थोड़े से शौक हुए या थोड़ा सा आपको लगा कि यार ये तो घर पे हो ही नहीं रहा था मैंने जो क्लिप देखा है वो विशाल का भाग्यशाली वाला भैया तो भाग्यशाली है साले <laughs> और मैंने लिटरली उस दिन उससे माफी मांग हाँ। के मैं बाहर निकली हूँ तो शायद वो बहुत गलत है तो आपको अब गिल्ट हो रहा होगा कि गिल्ट नहीं, हुआ मुझे बहुत ये फील हुआ कि चंद्रिका तू एक सही स्टैंड पे थी वो गलत था वो गलत है वो गलत रहेगा ठीक है मैंने अपना कैरेक्टर निभाया कि अगर मुझे लगता था कि बाय चांस यार मैंने कभी किसी का गलत यूज कर लिया मतलब गलत वर्ड यूज कर लिया किसी के कैरेक्टर लिया बट हाँ विशाल आप गलत थे आप हो और रहोगे सारी चीज तो और क्या क्या देखा आपने बस अभी मैंने ये देखा अभी फिलहाल यही देखा अभी उसके बाद मैंने मोबाइल अपना हाथ में भी नहीं लिया है टच वोड में नहीं चाहती क्योंकि मेरे माइंड में अभी बिग बॉस ही चल रहा है मैं सो भी रही हूँ तो मुझे वही हाउस दिख रहा है बिग बॉस की आवाज आवाज भी आवास आवास <laughs> <चीज़े> <laughs> <है>। <laughs> याश, याश भी सारी चीजें और यश यश वो चाहते उठ जाओ बिग बॉस चाहते और मैं कहती हूँ भाई नहीं और मेरे नींद नहीं आ रही तो मैं सबसे पहले चाहूंगी कि मैं अपने आप को टाइम दू मैं अपनी फैमिली को टाइम दू ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा बिल्कुल बट हाउ इज योर स्टे एट बिग बॉस हाउस कैसा रहा बहुत प्यारा बहुत अच्छा मैं अपने ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर डेज मैंने कंप्लीट किया बिग बॉस हाउस में और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चंद्रिका जो थी वो वहाँ पर रही है चंद्रिका केयरिंग है इमोशनल है चंद्रिका को फाइट करना आता है चंद्रिका को जरूरी नहीं है कि चंद्रिका पे कोई बात आएगी तो चंद्रिका बोले जैसे बाहर है अगर किसी लड़की पे कुछ भी बात आती है तो चंद्रिका उसका स्टेल लेती है और वो चंद्रिका ने किया बिल्कुल यस yes. बिल्कुल और लेकिन जो फैंस हैं आप ही के फैंस हैं बहुत अलग अलग तरीके की बातें जो है वो हो रही है वो विल टॉक अबाउट इट लेटर लेकिन सबसे ज्यादा मिस किसको किया आपने मैंने अपनी शॉप को मिस किया मैंने अपने बच्चे को कहते हैं ना कि एक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मैं वहाँ हुई हूँ कि जब आ, एक कहते हैं ना दिन भर तो मैं अपना घर पे भी काम करती हूँ शॉप पे भागा दौड़ी हर एक चीज़ के लिए बस रात जो होती थी वो मेरे बेटे के साथ मैं चिपक के सोती थी उसको हक करके वो रात भर मुझसे मम्मी जॉनी जॉनी उसकी सारी बातें वो रात को मैंने मिस करी और मैंने मिस ये किया कि मुझे उसको वक्त देना चाहिए हाँ मुझे अपने पति को वक्त देना चाहिए मुझे अपनी फैमिली को वक्त देना चाहिए और हमेशा आप लोगों ने मुझे कहते हुए सुना hmm. कि मैं अपनी फैमिली अपने बच्चे के लिए हमेशा मैंने बहुत कुछ है और मैं बहुत कुछ चाहूंगी की मुझे ये सब चाहिए अचीव करूंगी बट कई बार इंसान पता है भागते 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 Hmm. काम करते करते वो अपनों के लिए करता है बट hmm. अपनों को टाइम नहीं दे पाता तो मैं शायद वो चीज अब नहीं hmm. हाँ। और ये पहले आई एम श्योर कि तुम्हें हमने काफी वीडियोस देखी हैं जिसमें यू टॉक अबाउट अ लॉर्ड फैमिली कि किस तरीके से है ना आप क्या इंपॉर्टेंस है तो ये इंपॉर्टेंस आपको अब आप जाके ज्यादा रियलाइज हुई है पहले भी तो थी थी पहले भी आई नो hmm. पहले भी मैं अपनी फैमिली के लिए ही जी रही हूँ क्योंकि मुझे जिसने मेरा यश जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने मुझे खड़ा किया है चंद्रिका को जो दूसरा जन्म है वो उन्होंने दिया है चंद्रिका तो एक ना एक जो कमाने की चाह मुझे फैमिली के आने के बाद मुझे अपना बच्चा मुझे अपनी फैमिली मिली तो कमाने की चाह मुझे तब हुई कि नहीं।, नहीं यार सब हासिल करना मेहनत करनी बट शायद हासिल करने के चक्कर में मैं वो टाइम में सिर्फ भाग रही थी मैं सिर्फ भाग रही थी अब शायद मैं कहीं थोड़ा सा रुकूंगी और अपने को भी टाइम बिल्कुल लेकिन अगर अभी आपको मौका मिलता है बिग बॉस का आदेश आता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में आपको बुलाते हैं तो फिर आपका क्या स्टार्ट होगा <laughs> तो, होगी <laughs> वापस नहीं, ने? बिल्कुल बिल्कुल मैं जाना पसंद करूंगी क्योंकि मुझे जो बोलने नहीं दिया गया मैं बहुत लोगों का जो अभी अदनान का मेन एक अदनान जो वाइल्ड कार्ड एंट्री है चंद्रिका माँ भी नहीं तो अदनान जी मेरे नाम पे फेम फेम कमा रहे हैं चंद्रिका ये इक्कीस दिन इक्कीस दिन अदनान तो सिर्फ इक्कीस दिन रोटी बना के दिखा दे और तू वहां लल्ला बन गया झाड़ू लगाते लगाते तो मेरा नाम उठ रहा है मतलब ना वन टू वन करने आया मुझसे तो मुझे जाना चाहिए और दूसरी बात जो बच्चा पार्टी वाली गेम चल रही है मैं उनको भी शायद चुप कराना चाहूंगी कि बहुत हुआ सबसे पहले जो बच्चा पार्टी जो रूल्स तोड़ रहा है जो ब्रेक कर रहा है सबसे तो मतलब सा हाँ। कि कि जव... हाँ। अदनान अगर जाते से मेरा नाम नहीं उठाता आई एम सेटिस्फाइड पहली बार कोई बंदा आया भाई वन टू वन करने वाला तो आ भाई फिर सीधे आ मैं हूं ही नहीं तो किससे लड़ेगा जो मैं आती हूँ ना फिर अपन अपन आपस में करते उसको कैरेक्टर याद दिला तू hmm. hmm. काम करने नहीं भेजा बट झाड़ू तो मतलब मुझे लग रहा है कि ये तो सबको करना ही पड़ता है घर के काम है ना तो फिर मैंने भी तो अपने घर के काम करे hmm. थे फिर मुझे बाहर क्यों निकाल दिया वो तो मुझे मतलब मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा फील हुआ कि Uh, जैसे हमने एक क्लिप में देखा था कि कृतिका वॉज टॉकिंग अबाउट कि आप सबसे ज़्यादा डिमांडेड कंटेस्टेंट थी वहाँ पे और ऐसा उनके ही वीडियो के थ्रू हमें पता चला कि आपको सबसे पहले uh, जो है वो शॉर्ट किया गया था बिग बॉस के थ्रू और आ, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस वजह से आ, डर लग रहा था लोगों को इसीलिए आपको निकाला गया या इसीलिए आपको नहीं, के लिए नहीं जैसे रणवीर ने एक चीज कही थी मेरे लिए कि चंद्रिका वो स्पोर्ट्स कार है जो तो जीरो पे जरूर खड़ी होती है पर अगर चली तो सीधा हंड्रेड जाती हंड्रेड से नीचे बात नहीं करती तो वो शायद चीजें हैं बट चंद्रिका को लोगों ने वहां पर वो देखा जैसे पोलोमी मेरे लिए एक इंटरव्यू दे के आई थी माफी मांगी है तो शायद चंद्रिका विन वहीं करी थी जब लोगों की मेंटेलिटी मेरे लिए चेंज हो रही थी कि भाई लड़ती हूँ पर किसके लिए लड़ती हूँ वो भी देखो चंद्रिका बोलती है जरूरी नहीं चंद्रिका खुद पे बात आएगी खुद के घर में आग लगेगी तभी चंद्रिका पानी फेंकेगी दूसरे के घर में भी आग लग रही होगी चंद्रिका वहाँ पे भी बकायदा खड़ी होगी क्योंकि गलत गलत सही सही अच्छा तो मुझे बताओ कि आप बचपन से ऐसे थे कि हर चीज पे स्टैंड लेने वाले हर चीज में आवाज उठाने वाले लड़ाई करने वाले बचपन से मैं बचपन से कभी ऐसे नहीं थी मैं बहुत डरती थी अच्छा मैं बहुत डरती थी मैं बहुत सहमी हुई लड़की थी जिसके सिक्स मंथ से मेरे मम्मी पापा मेरे साथ कभी नहीं थे ठीक है मम्मा शांत हो गई थी पापा साथ नहीं थे रिश्तेदारों के बीच पल पल के पल पल के नानी के यहाँ गई हूँ तो कहते हैं ना एक मुझे वो घर ही नहीं, hmm. नहीं मिला कभी वो अपनापन नहीं मिला कभी वो मतलब जब मामा मामी के यहाँ गई हूँ तो नानी मेरी नर्स थी वो जब हॉस्पिटल जाती थी उस बीच वो घर का माहौल क्या होता था वो आती थी देन सडनली वो घर का माहौल स्विच तो मुझे बचपन से वो आदत हो गई थी रोटी बनाना मैंने उस घर में इसलिए सीख लिया था वो मुझे नानी माँ ने दिया था मुझसे मतलब जैसे हम स्कूल से आते थे ना दस दस रोटियाँ बिलवाई जाती थी कि ये भी करो ये भी करो झाड़ू भी निकालना तो काम के लिए इसलिए मैं ऑल टाइम प्रिपेयर रहती हूँ अभी भी आप कहोगे कितने लोगों का करना है चल ठीक है यार बट मैंने अपने मन की बात रखना यश के आने के बाद सीखी में खत्म हो चुकी थी जब नानी माँ की डेथ हुई आ, सब कुछ मेरी लाइफ में सडनली से बदल गया सब कुछ हुआ मैं दिल्ली आए दिल्ली आने के बहुत कुछ रिश्ते छीने मुझसे बहुत अपनों ने धोखे दिए बहुत लोगों ने मुझे एक टिशू की तरह यूज करा धन खत्म बट यश के आने के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हुई उसने मुझे खड़ा किया उसने मुझे बनाया आज मैं जो हूँ सिर्फ उसकी वजह से उसने मुझे बोलना सिखाया कि अपने हक के लिए बोलना सीख जो तेरे लिए हुआ है और आज मैं हूँ कि अगर आज किसी के साथ गलत हो रहा होगा ना मैं नहीं होने दूंगी मैं उसके लिए जान लगा दूंगी बिल्कुल और आ, वैसे कमिंग बैक टू बिग बॉस का गर, yes. uh, आता है. है, हाँ. तो आपने वहां रह के क्या फेस किया और क्या फील किया की आपको ऐसा लगा कि ये जो दिखाते हैं बिग बॉस का जो एपिसोड है वो अलग होता है और एक्चुअल में कुछ अलग हो रहा है देखो मैं एक चीज दिखा देना चाहती हूँ आपको बता देना चाहती हूँ जब विशाल के पेरेंट्स आए थे आ, मम्मी पापा और जब विशाल रोया, उस समय एक हम लोगों ने डिमांड भी करा था कि प्लीज आप वो क्लिप चलाइए हमें, हमें क्लियर तो होने दीजिए क्योंकि हमको तो घर के अंदर बंद कर दिया हमको पता ही नहीं हो क्या रहा है तो वो शायद क्लिप नहीं चली थी और जब मुझे बाहर निकली तो मुझे वो साले वाला देखा मैंने मैंने कहा यार ये तो दिखाई नहीं ये तो बताया ही नहीं तो बहुत सारे मोमेंट है जब मैं वो कठपुतली वाला हो रहा था उसमें शायद मेरे हा, हाथ की नस खिंची थी क्योंकि मैं साई से मैंने वो डॉल छीनी थी, थी और ऊपर से नीचे में फिसली थी वो क्लिप सामने ही नहीं आई है बहुत सारी ऐसी चीजें यार लेकिन कौन सी ऐसी बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ है जो आपको ऐसा लगा कि अभी तक तो वो लोगों को पता ही नहीं है लोगों के दिमाग में जो परसेप्शन बिग बॉस के जो आप मेंबर रह चुके हो आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज आनी चाहिए आगे देखो ऐसी बहुत सारी चीजें hmm. बहुत सारी मतलब एक लड़ाई के वे में नहीं मैं मैं बिल्कुल hmm. बोल सकती हूँ कि ये स्क्रिप्ट बिग बॉस नहीं है हुँ. जो वहां आपको एक साथ भेज दिया जाता है हुँ. आपको डील करना होता है आप कितने शॉर्ट टाइम पर हो आप कितने लॉन्ग टाइम पर हो आप किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो ये दिखाया जाता है क्या वास्तव में क्या हो हुँ. तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अभी मुझे करंटली याद नहीं है जैसे आ, मैंने यश को ही बताया था यश ने कहा था जब विक्की कौशल आए थे उन्होंने कहा था कि चंद्रिका तुमने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया तो मैंने उसको बताया था उस वक्त मेरी पूरी आंख नीली हो रखी थी और सूझ गई थी जब मेरा माइग्रेन का पेन बढ़ गया तो उस समय बहुत ज्यादा ड्रामे चल रहे थे वहां मुझे प्रकोप किया जा रहा था अब ये आई असली चेहरे में अब या इसकी औकात में अब यार क्या असली चेहरा है कोई मुझे पिन करेगा अपनी असली चेहरा नहीं दिखा रही है इसके पीछे बहुत असली चेहरे हैं ये तो ऐसी उतर के आई है मतलब मुझे वो रेडी वाला हर एक चीज के ये तो रेडी में वो ट्वेंटी फोर की वीडियो तो उस वक्त शायद मैं बहुत एक हट दिखी की क्या चाहते हो मुझसे मैं सबके माथे फाड़ दूं या बैठे हुए लोगों के हाँ। वो पॉलमी <laughs> का जब वीडियो आया था तो मुझे कहा गया तुमको तो उससे लड़ना था रे भाई वो पहले मुझसे माफी मांग चुकी है लड़की मैं क्यों उससे लड़ूंगी लेकिन होता यही है ना कि मे बी वो पार्ट जानबूझ के नहीं दिखाया जाता है जहां पे वो माफी मांग रहे होते हैं या क्या है तो मुझे लगता है कि कि शो की भी थोड़ी सी उस उस तरीके से तो वो मुझे, मुझे नहीं नहीं पता कि... कि पोलोमी का माफी वाला बाहर आया नहीं आया बट उस लड़की ने चार दिन चौथे दिन मुझसे माफी मांगी थी और वो रोई थी कि चंद्रिका तेरे लिए बहुत गलत इंटरव्यू दिया है मैंने वो इंटरव्यू मेरे सामने चल रहा था मैंने उससे कहा भाई तू इकलौती लड़की नहीं है जो मेरे लिए ये राय रखती है तमाम पब्लिक रखती होगी कुछ लोग चाहने वाले होंगे कुछ लोग जानते होंगे जो मुझसे मिल चुके होंगे उनको पता होगा कि मैं क्या हूं जो मुझे नहीं जानते वो मुझे ट्वेंटी फोर कैमरे चल रहे हैं भाई वो देख लेंगे कि चंद्रिका जैसे अपने बेटे के लिए एक माँ है ना वैसे दूसरे बच्चों के लिए भी माँ है, जरूरी नहीं कि मेरा बच्चा भूखा मर रहा होगा तभी मैं रूंगी सामने जो होगा उसके आपको लिए भी नहीं नहीं लगता कि ये अप्रोच बड़ी गलत थी आप एक ऐसे घर में जा रहे हो जहाँ पे सब आए हैं अपनी गेम खेलने के लिए सब आए हैं वो बस जीतने के लिए आए हैं और आप और वहाँ पे आप ये अप्रोच लेके जा रहे हो कि सब मेरे बच्चे जैसे तो आपको अब ऐसा रियलाइज हो रहा है कि बच्चे जैसे वाली बात नहीं आ रही जैसे मेरे कैरेक्टर पे लोग उंगलियां उठाते थे कि सिर्फ ये 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 लड़ती लड़ती हाँ। लड़ती है 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 सिर्फ सिर्फ भाई मैं एक लड़की मेरे अंदर हर एक चीज है हर एक चीज है हर एक मोमेंट पे वक्त निकलता है <laughs> जरूरी नहीं है कोई मुझसे आप आप करके बात कर रहा है मैं उसमें धर दूंगी <laughs> वो नहीं है ना यार <laughs> हर एक एक कहते हैं ना मोमेंट निकलता है हर एक वक्त निकलता है कोई गाली से बात करेगा तो जरूरी वो गाली खाएगा लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जितने भी और बहुत सारा ड्रामा हमें मिलने वाला है बहुत सी लड़ाइया देखने के लिए लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो हाँ, बहुत से आपके फैंस भी मुझे लग रहा है इस वजह से बात नहीं है चंद्रिका जो है सो है वक्त पे लड़ाई करना पसंद करती है जरूरी नहीं है उसकी डेली लाइफ में इतना वो जो मुझे आके करेगा जो मेरी फैमिली को बोलेगा जो मेरे बच्चे को बोलेगा जैसे अन्ना ने जाते थे सिर्फ मेरा नाम उठाया तो अगर मैं वहां होती तो मैं उसकी औकात याद दिलाती फिर मैं उसको जो बाकी के के 21 दिन है ना उससे रोटी बनवा मैं मैं खड़े होके खाती कि तू बना और अब खाऊंगी <laughs> ये चीज होती बट हुआ नहीं मेरे साथ <laughs> तो मैं बेमतलब में नहीं लड़ूंगी यार चंद्रिका को बेमतलब में लड़ना <laughs> बाहर भी मुझसे आके लड़ाई करी गई है मेरी <laughs> कार्ड उठाई गई है मेरे बिजनेस को बार बार नीचे लाने की कोशिश <laughs> की गई है अगर मेरे घर पे उंगली उठेगी ना तो फिर मैं बोलूंगी बिल्कुल <laughs> वो मैं मैं आज भी, तो तो भी ड्रामा नहीं मिल पाया मसाला नहीं मुझे मुझे नहीं, मिल पाया, मुझे नहीं लगता, नहीं। लगता कि किसी का कैरेक्टर में वह गिराने गई थी या मैं अपना कैरेक्टर गिराने गई थी आ, मैं जो थी मैं जैसी हूँ मुझे लड़ना मुझे प्यार करना मुझे केयर करना मुझे हर मेरे हर अंदर हर एक चीज है hmm. तो वो शायद वहां देखने को मिली शिवानी से मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड बना था पर शिवानी ने जब रणवीर की बेजती बेजती hmm. बेजती कंटिन्यू hmm. करा तो मैंने उसको बोला कि hmm. भाई तू गलत कर रही है, तो चंद्रिका सच के साथ खड़े होने वाली है गलत कभी नहीं कहगी ये नहीं कहेगी तू मर्डर करके आ जा मैं उसको वो कर दूंगी बिल्कुल तो अब ना हम एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं ठीक ना? है मैं एक एक वर्ड लूंगी और आपको बताना है कि घर में ऐसा कौन है जो इस वर्ड के साथ एकदम फिट बैठता है okay. ठीक है ठीक है लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन कलेशी कलेशी जो कलेश मचाता हाँ. है अरमान अरमान और उनके कलेश जो है कुछ ऐसे हैं जो हमने देखे हैं और आप तो एक्स्ट्रा कलेश देख कर मैं तो आपको एक बत बात बता देना चाहती हूँ कि अरमान जी को मैंने भी एक चीज़ कही थी हालांकि मैं उनको भाई बोलती हूँ हर एक चीज़ है जब आप रैपिड फायर करवा ही रही हो मुझसे तो मैंने शायद एक जगह सेंटेंस यूज़ करा है कि उन्होंने जब वो मेरा घर बाहर वाली को लेके वो मेरा इंट्रो कर रहे थे चंदी जी ये बताइए हाँ। तो था कि जगह जगह आग लगाना बंद करो हाँ। मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये करती तुम्हारा कोई भी पॉइंट होता है तुम हर एक इंसान के पास जाके हाँ। वो बात घुमा देते हो तो वो वो है कलेश ही है वो कलेष मचाने में माहिर है और तभी आपको लग रहा है कि यही रीजन है कि इतनी देर तक वो टिके हुए हैं वरना नॉमिनेट मतलब एक परमानेंट नॉमिनेट आई थिंक वो ठीक है सेकंड अगर फ्रेंड फॉलोइंग देखी ऊपर डिपेंड है तो अरमान है और अगर रूल टूटने की बात आती है कि घर के रूल्स अगर वो पन्ना हमको दिया गया था कि रूल तो भैया रूल तो रूल होते हैं फिर आप उसको घुमा फिरा के कवर नहीं कर सकते रूल ब्रेक हुआ मतलब हुआ चल बार और विशाल भी सेम थिंग है अगर नॉमिनेट पूरे सीजन के लिए अरमान को किया गया तो विशाल को क्या सजा दी गई वो मुझे नहीं पता सेम चीज बिल्कुल फेक कौन है सबसे अभी तक फेक पर्सनालिटी मुझे जिसकी लगी है वो है सना मकबूल और uh, कुछ ऐसी कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो पर्सनली आपने मैं मैं भी उसकी फ्रेंड रही थी आपने देखा दस बारह हाँ, दिन में उसके साथ रही हूं सारी चीजें हैं बट वो अपने डिसीजन नहीं ले पा रही है वो विशालो लव की लैंग्वेज बोल रही है जनानी वर्ड है खुलता साँड है वो मकबूल की भाषा बिल्कुल नहीं है वो किसकी भाषा है मैं आपको ब... अच्छे सभी को पता है यार जनानी वर्ड हमारे हरियाणा में यूज़ किया जाता है कि हाँ। okay, जनानी ये सारी चीज़ें तो औरतों को जनानी वर्ड कहा जाता है तो वो मकबूल उन लोगों का एक वो अपना इंडिपेंडेंट गेम खेलना भूल गई है लेकिन आपको नहीं लगता कि जैसे उन्होंने ऑन कैमरा ये बात बोली है हर कोई उनके बारे में बात बोलता है कि हाँ ठीक है मैं तो हूँ तो जो फेक बंदा होता है वो कभी एक्सेप्ट तो नहीं करता कि मैं सेल्फिश वो गुस्से में कर रही है वो जब एकदम कहते हैं ना एक फायर आ जाता है तुम ऐसी हो तुम ऐसी हो हाँ मैं हूँ फिर वो बाद में जाके ऑफ कैमरा क्या वास्तव में मैं ऐसी हूँ अच्छा मेरे से ऐसे क्यों पूछा जा रहा है यार मैं ऐसा क्या गलत केम कर रही हूँ अनिल सर मुझे डांट रहे हैं यार ऐसा क्या हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं मैंने उसको फिर फेक नाम दिया कि आपको खुद नहीं पता चल रहा आप आप जब नौ में उसके लिए बात आती कि ये माला आप किसको तो आप खुद को पिना रही होगी मुझसे बच के रहना और हूं आप तो तो डिसाइड करो पहले कि आप क्या हो क्या नहीं हो बिल्कुल फिर फिर आपने अनिल सर की डांट के बारे में बोला है तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़े से बायसड है वो कुछ लोगों को डांटते हैं कुछ लोगों को बिल्कुल प्यार करके रखा हुआ है उन्होंने ऐसा आपने फील किया मैंने सलमान सर को बहुत मिस किया <laughs> बस इस सेंटेंस में मैं अपनी बात खत्म करूंगी मैंने सलमान सर को सच्ची हाँ। बहुत मिस किया अच्छा तो आपको ऐसा लगता है कि अगर सलमान खान होते तो बेटर आ, थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी बात वही खत्म कर दी मैंने सलमान सर को बहुत मिस किया अब आप हाँ। उसको कैसे लेंगे वो मुझे नहीं पता हमने जिस तरीके से आपने कहा है, हमने वो एकदम ले लिया एयर ड्रॉप की तरह अच्छा नागिन वर्ड किसी के लिए यूज करना तो वो कौन होगा नागिन हमें वो भी मैं सना मकबूल के लिए कहूंगी कि वो जैसे कहती है ना मैं सेल्फिश हूँ hmm. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो खुद के लिए गेम खेल रही है वो ट्रॉफी के लिए गेम खेल रही हैं तो विशाल लव और शिवानी को वो कभी hmm. भी डर सकती हैं बेस्ट hmm. फ्रेंड अरमान भैया और नहीं सॉरी आ, दीपक भैया और रणबीर भैया hmm. ये दोनों वैसे अरमान भैया निकल गया मैं तो एकदम <laughs> नहीं नहीं नहीं, नहीं, आ, नहीं मेरा बेस्ट फ्रेंड दीपक भैया <laughs> और रणवीर है hmm. आ, और अगर ऐसे वे में आप मुझसे पूछना चाहेंगी hmm. तो बेस्ट फ्रेंड अभी वहां कोई किसी का नहीं है हाँ <laughs> ये तो है कौन किसके, कौन किसके पीछे कौन किसके पीछे छुरा घोपने के लिए खड़ा हुआ है ना वो किसी को नहीं पता और अभी तो आपने सारी क्लिप्स देखना भी नहीं है लव और शिवानी और मकबूल एक साथ है मैं इन्हीं का चैप्टर उठाती हूँ लव के पास ऑप्शन आता है कि किसी एक को बचाना है तो वो क्या मकबूल और शिवानी को बचाएगा नहीं ना वो लव वो विशाल को बचाएगा और अगर लव को ये बोल दिया जाता है कि भाई ट्रॉफी किसने जीतनी है तेर में, में डिसाइड कर ले वो अपने आप को आगे खड़ा exactly. कर देगा ले आ हाँ, इधर बिल्कुल, बिल्कुल तो कोई किसी का सग् नहीं है तो क्या, आप ये कह सकते हैं कि बिग बॉस के के घर घर वाले वाले जो है वो कहने के लिए हैं तो मैं मैंने तो यही चीज देखी थी ना ये घर वाले है <laughs> तो घर में, में तो hmm. वाले यार हम हमारे घर में एक कप उठाने के लिए अगर हमसे बोला जाएगा तो हम मम्मी को फोड़ के जवाब नहीं देंगे नहीं उठाना कप यार उठा ही लिया कोई दिक्कत नहीं है टास्क को टास्क की तरह रखते हैं बाकी तो फैमिली मेंबर है हम बिल्कुल <laughs> रात में जब सोने के लिए बोला जाता है बाहर एक दूसरे की बेजतियां कर रहे हो बेजती करने वाला घर नहीं है वो अगर मुझे ये पूछना हो कि आपको कौन लगता है कि जो बिग बॉस का विनर हो सकता है और जो बिग बॉस की ट्रॉफी जो है वो उठा सकता है तो रणवीर शौर्य एक्सपीरियंस बंदा है काफी उनका नाम है नाम की वजह से मैं नहीं कह रही हूँ बट वो जो है वो वास्तव में जैसे मेरी थिंकिंग थी कि यार मैं खाना बनाने के लिए तो मैं नहीं लड़ सकती उनका भी ये आप देख रहे होंगे अभी तीनों टाइम बर्तन पसंद नहीं करता। हाँ। उन्होंने तीनों टाइम के बर्तन धोने का हिस्सा ले रहा है ताकि घर में लड़ाई हाँ। नहीं हो तो वही मैं थी कि यार खाना कोई नहीं बनाना चाहता ले मैं बना दूंगी पर बेमतलब के मुद्दों में मत लड़ो क्योंकि बिग बॉस ने भी कहीं ना कहीं ये कहा था कि रटा रटा ये गेम लेके आ रहे खाने के लिए लड़ रहे कुछ और और ये देखा था मैंने कि जैसी जैसी जिस जैसे ही निकली थी तो वो काफी लड़ाई जो है, वो ना ना रोटी बनाए और सबको खिलाए अच्छा तो हमारे चैनल का नाम है जी स्विच तो अब हम एक गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है स्विच का सामना स्विच का सामना ठीक है जैसे सच का सामना है वैसे ही आपको स्विच का सामना करना पड़ेगा तो मैं आप से कुछ बातें बोलने वाली हूँ ये बातें जो है ये हमें खुफिया सूत्रों ने बताई हैं आपके oh, बारे में oh. आपको बताना है कि ये कितनी राइट है कितनी रॉन्ग है ठीक है सबसे पहले तो ये है कि ये जो लड़ाइयाँ आपकी हुई थी mm -hmm. एकदम बिग बॉस से जाने बिग बॉस के घर में जाने से पहले ये एकदम स्टेज थी परफेक्टली टाइम थी ताकि फुटेज एकदम हाई हो जाए और फिर बिग बॉस के घर में जाके Uh, जो है वो आपको एक्स्ट्रा <laughs> फुटेज <extra footage> मिले <laughs> सबसे पहले चंद्रिका कभी स्क्रिप्टेड चलती नहीं है hmm. याद ही नहीं होती मुझे दूसरी बात अः ये सारी जो लड़ाइया है सारी चीजें दो साल पहले भी चंद्रिका कार्ड लगा रही थी hmm. आठ महीने पहले भी और चार महीने पहले भी लोग आके मुझसे लड़ने लगे चंद्रिका कभी दूसरों के घर में जाके नहीं लड़ी hmm. मेरी कार्ड पे लोगों ने आके लड़ाई करना स्टार्ट करी है तो ये मैं ये बोलूंगी ये मेरा जो ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन ईयर्स का जो मेरा सफर था ये कहीं ना कहीं जाके वो हुआ है ये मेहनत है मेरी वहाँ गई है जो मैं बोलती हूँ सारी चीजें ये वहां गई है ये कोई प्लानिंग नहीं थी और बहुत तो ही यही आज प्लानिंग होती तो शायद आज मेरे बंगलों खड़े होते जैसे लोगों ने कहा मस्टिंग इसके पास है हाँ। मैं चाहूंगी हो हाँ, मेरे वो, पास वो क्या था? मैं चाहूंगी मेरे पास हो लोग कहते हैं इसके पास तो दोनों दो घर है मैं चाहूंगी कि मेरे पास हो आप लोग बस ऐसे ही दुआई करते रहिए लेकिन वो वीडियो देखी थी हमने जिसमें आप गाड़ी से बाहर निकल रही हैं एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि यार बेच बेच के इतना पैसा कमा लिया कि मस्टैंग आ गई तो वो किसकी गाड़ी थी और वो, वो क्या वो था? आ, वो मनीष भैया के पास गई थी मैं जैसे कॉम्बिनेशन तो वहां पर मैं अपनी दुकान जब मेरी रेडी परमानेंट बंद कर दी थी इन लोगों ने तो मैं अपनी दुकान सर्च करने गई थी तो उन्होंने कहा था चंडीगढ़ वीडियो बना लेते हैं इसी पे मैंने कहा चलो ठीक है अच्छा तो वो वैसा कुछ नहीं था और एक और वीडियो काफी वायरल थी जिसमें आप बोल रहे हैं कि यू चार्ज वन लाख रुपीज रिबन कट करने का दस तो लाख कितना है ये ये सच में आप बोल रहे हो अब मैं दस लूंगी अच्छा अब लूंगी मैं दस क्योंकि मैंने उतनी मेहनत करी है सारी चीजें और शायद मैंने चौबीस दिन अपने बेटे के बिना बिताए चौबीस दिन चौबीस दिन में बहुत सारे मेरे मोमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं यार एक बात बताओ अगर आज मैं कमा रही हूं तो मैं किसी से छीन नहीं रही मैं किसी से किसी का घर नहीं छीन रही लोग मुझे बुलाने आ रहे हैं मैं नहीं जा रही कि मुझे बुलाओ लेकिन घर में भी हमने देखा था कि इनफैक्ट रणवीर ने ही काफ़ी बार ये बात ये बात बोली है कि शिवानी हो जाए आपके लिए हो जाए या अदर सोशल मीडिया स्टार्स जो है कि इन लोगों को तो घर बैठे बैठे फेम मिल मिले नहीं उन्होंने उतना काम नहीं किया आ, नहीं मैं यहाँ पर आपको करेक्ट करना चाहूँगी उन्होंने बच्चों का जब नाम लिया ये मेरे सामने चैप्टर चला था शिवानी विशाल लव बहुत सारे लोग थे क्योंकि आ, मेरा जब उन्होंने सुना था तो उन्होंने एक वर्ड कहा था कि चंद्रिका के फेस पे वो दिखता है कि उसने मेहनत करके सारा अचीव किया है है बाकी सबको बिठाया मिल गया इसलिए इनको इसकी कदर नहीं है ये वर्ड यूज हुआ लेकिन आई एम श्योर उनकी भी कुछ ना कुछ जैसे आप बता रही हैं आपकी एक जर्नी है उनकी भी कुछ ना कुछ जर्नी किसी पे चंद्रिका कभी किसी से बदतमीजी नहीं करती यार जब मुझे पता पड़ जाता है कि ऑलरेडी एक बेड पे इंसान लेटा है वो उठ नहीं पा रहा वो चल नहीं पा रहा तो मैं उसे नहीं रियलाइज कराऊंगी कि तू यहाँ है वो hmm. बल्कि वो यहाँ पर है हम लोग उसके आगे जीरो थे मैं बात कर रही हूँ दीपक सर की hmm. तो उनको बार बार चुंगम थूक के बात कर चुंगम क्यों चबाता रहता है तो आई थिंक hmm. आप शायद उस परिवेश से निकल रहे हो कि आपको बदतमीजिया करना पसंद है मुझे नहीं पसंद hmm. मैं आदमी देख के बात करूंगी कि भाई ऑलरेडी वो बिल्कुल और वही कुछ और खुफिया सूत्रों ने ये भी कहा है कि चंद्रिका जो है वो बाहर ज़्यादा अपने असली रूप में थी जैसे ही वो घर पे गई उन्होंने देखा कि और जो लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं वो आर इक्वली फेमस ऑन सोशल मीडिया उनको देख के आपकी जो एटीट्यूड था वो थोड़ा सा डाउन हो गया oh my God. चंद्रिका का एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहा है सबसे पहले एक बात बता देना चाहूँगी 24 घंटे कैमरे के मीनिंग शायद मुझे नहीं लगता किसी को पता होंगे जो कैमरा फेस करते हैं उनको पता है ठीक है जैसे रणवीर रोहले उन्होंने ने ने कहा था कि भाई हम दिन भर इन कैमरों को देखते हैं हमको हाँ। पता है कौन कैमरा सीकर दूसरी बात वहां 500 से ज्यादा कैमरे हमारे सर पे फेस पे पीछे आगे नीचे हर जगह टंगे रहते हैं एस, ऐसे ऐसे बहुत कैमरे ऐसे भी होंगे जिनको हमको पता नहीं है कहाँ से हाइट कैमरे बिल्कुल एक एक दिन में अपने आपको फेक पर्सनैलिटी दिखा सकती हूँ दो दिन तीन दिन चार दिन उसके बाद 24 डेज तो एक्जेक्टली 24 डेज हम्म बिल्कुल सो कुछ खुफिया सूत्रों का ये भी कहना है कि उनको उम्मीद थी कि आप बिग बॉस की ट्रॉफी लेकर ही आएंगी क्योंकि जैसे कि पता ही था कि आप सबसे ज्यादा डिमांडेड कंटेस्टेंट हैं लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मैं ट्रॉफी लेके आई हूं मे बी यह गेम प्लानिंग हो मे ट्रॉफी लेकर आई हूं ओह कहां मैं लेके आई हूँ ट्रॉफी जब लोगों की मैंटेलिटी वहां जब चौथे दिन लोग मेरे आगे बैठ के माफी मांग रहे हैं और हाँ। सॉरी बोल रहे हैं कि भाई तेरे लिए बहुत गलत सोचा हमने ये मेरे है। लिए ट्रॉफी जब मेरी सास बाहर लोगों को प्राउडली फील करा रही है कि ये उसकी सच्चाई है ये वो लोगों की केयर करती है वो इमोशनल है वो बोलती है जब उसके खुद पे बात आती है उसके बच्चे पे बात आती है उसकी फैमिली कोई अगर किसी माँ को बोलेगा कि तेरा बच्चा तो मर रहा था ना तो चंद्रिका बोलेगी जब मेरी फैमिली मेरे बिजनेस को छीना जाएगा तो चंद्रिका चिल्लाने का दम रखती है अदरवाइज चंद्रिका बहुत सॉफ्ट पर्सन है बिल्कुल तो आपकी ये जो इंटरनेट पर्सनालिटी है जैसे सोशल मीडिया पे सब लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत खतरनाक है ये कभी भी लड़ लेंग लेगी किसी से तो इसका असर क्या आपके घर पे होता है कभी ऐसा हुआ कि रिश्तेदारों ने आके आपको बोला हो कि यार इतना क्यों लड़ रही है कि अगर बात बच्चे पे आएगी ना तो मैं अच्छे अच्छू की ऐसी की तैसी करके रखती हूँ मुझे मेरा बच्चा पे कोई पॉइंट नहीं करेगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ तक मैं कैसे चली हूँ और आगे कैसे क्या है जैसे कि मेरी माँ नहीं थी सारी चीज़ें नहीं है वो एक मेरा अलग पार्ट है तुम तो मुझे कुछ भी बोल बर्दाश्त है पर उस पर मत जा बस वही बिल्कुल और मुझे एक और चीज़ पूछनी है कि हाउ डिड दिस ऑल स्टार्टेड कि जैसे आप रेगुलर वड़ा पाव जो है वो सेल कर रही थी है ना लेकिन इस बीच ऐसा क्या हुआ कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरी सुनाना शुरू कर दी तो वो पहला इंसिडेंट क्या था पर्सनल लाइफ की स्टोरी मैंने डोंट नो मुझे कब आप लोग मेरी आईडी उठा के देखो मैं बहुत फनी और मजाकिया लड़की hmm. हूँ मुझे हंसना पसंद है मैं पहले अपनी कॉमेडी वीडियोस बनाती थी यश के साथ बनाती थी बच्चे के साथ बनाती थी मैं कभी नहीं मैं जैसे एक पब्लिक फिगर कभी नहीं बनना चाहती थी कि लोग मेरे घर में घुस जाए ठीक है बहुत शांति से मेरा जीवन चल रहा था हर एक इंसानों ने आके मुझे प्रकोप करना स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया किया बोलना यश को बोलते थे कि पैसे वाली हो गई तुझे छोड़ के जाएगी अब तो हुँ। हुँ। ये भाग जाएगी अब ये कर, अरे तुम होते कौन हो तुम जानते कितना हो मेरे बारे में आज जिसने पचास हजार रुपए ले लिए रिबिन काटने के लिए अरे लिए कल इससे ज्यादा लूंगी आप को तो नहीं बुलाया जा रहा आपकी बीबी और बच्ची को तो नहीं बुलाया जा रहा ना मुझे बोला जा रहा है कोई ऐसा <coughs> कोई, कोई में बात में एक को है। बता देती आपको कि इंसान कब हारता है मैं जब भी घर से निकलती हूँ मैं अपने भोलेनाथ के हाथ जोड़ के निकलती हूँ घर आती हूँ तब हाथ जोड़ती हूँ कि बाबा आपसे आंख मिला रही हूं ना तब तक मैं सच हूं जिस दिन मेरी आंख शर्म से नीचे हुई ना मैं खत्म मेरे हस्बैंड से मैं आंख में बाहर निकली ना मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया यश मैंने विशाल पे जो क्वेश्चन उठाए वो गलत तो नहीं थे यश मैं उससे पूछती हूं कि जो मेरा है जो मे, मुझे जानता है मैं उससे पूछूंगी जब अगर वो बोलेगा ना चंद्रिका तू गलत जो मेरे साथ लेट रहा है जो मेरे साथ बात कर रहा है जो मेरा पार्टनर है जो मेरा हम सफर है अगर उसने मुझे बोला कि चंद्रिका तू गलत मेरे बेटे ने कहा तू गलत तो मैं गलत तो आपको घर की तरफ से सपोर्ट मिल गई मुझे और आपने यही बोला कि यही आपकी ट्रॉफी है राइट मेरी ट्रॉफी यही है यार मैं हाँ। जीत के आई हूँ मैं अपनी फैमिली के लिए मैं जो हूँ मैं वो हूँ मुझे सफाई की जरूरत नहीं इनफैक्ट अभी भी मुझ पे 24 घंटे कैमरा अगर चलेंगे ना तो मैं हूँ ऐसी मेरी जहाँ गलत दिखता है मैं वहां गलत मैं अपने पति से भी लड़ लेती हूँ भाई तू गलत है जहां गलत होगा मैं वहां किसी लड़की के साथ अगर गलत होगा तो मैं किसी का रेप होता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता किसी के बारे में उल्टी बात होती है ना तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती जरूरी नहीं है कि मेरे घर में आग लगेगी तो मैं पानी डलवाऊंगी बगल वाले घर में भी मैं अपने काम करूंगी यार बिल्कुल ये मैं हूँ तो so, आपके अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो अभी आपने नई शॉप ली है कंग्रेचुलेशन फॉर दैट तो क्या उसका क्या फ्यूचर है बहुत अच्छा फ्यूचर है इनफैक्ट uh, uh, ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ मैं अपना नाम नहीं देखना चाहूँगी mm. दूसरी बात काफी एक अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट मेरे आएंगे और बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ रहे हैं फिर लोग मुझ पर क्वेश्चन उठाएंगे ये तो, इतने कमा रही है तो भाई अपनी मेहनत पे कमा रही है आप रोज रोज दिखेंगी अपनी शॉप पे तो वो थोड़ा चंद्रिका, सा चंद्रिका हमेशा पता है सुनती सभी की है अपने दिल की लेकिन आप वहां पर अग्री हुए थे मैंने कहा ऐसा हो सकता है तो मतलब लोगों को मैं लोगों को मैं क्यों दिखाऊं दिखाऊ hmm. जिस रे, आप अगर आज आप कभी भी आइए मेरी शॉप पे hmm. मेरी रेडी वहीं खड़ी मिलेगी और आप भी वहां पर होंगे जब मेरी नहीं ये मिलेगी आपको अगर hmm. आप मैं यहाँ बैठी हूँ आप जाके पता कर लो मेरी रेडी आज वहीं है क्योंकि रेडी से मैं उठ के दुकान पर आई हूँ और मैंने अपने हस्बैंड से एक ही चीज कही थी कि चंद्रिका कहीं भी चली जाए रेडी की हमेशा पूजा करेगी बिल्कुल मेरी रोजी रोटी हाँ मैं ये नहीं कहती कि मैं दुकान तक सिमट के रह जाऊंगी मैं बहुत शो भी करूंगी मैं हर एक चीज करूंगी पर दुकान हमेशा मेरी फैमिली का हिस्सा है मैं रहूंगी और आप लाइक वहाँ पे नजर भी आएंगे क्यों नहीं यार तो आऊंगी एडवाइस आप नहीं रख रही है एक बात बताती हूँ सुनो सबकी करो, अपनी, करो दिल अपनी दिल की सुनो सबकी मैं सब मैं मैं ये नहीं कहती कि मुझे कोई बड़ा ही एडवाइस देगा अगर बच्चे से भी कुछ अच्छे सीखने को मिलेगा मैं सीखूंगी बहुत सो so, जाते जाते वो अपने फैंस को क्या कहना चाहते हैं जो कि थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए लेकिन अब खुश हो रहे हैं आप वापस अपनी मुझे आप दाक्षण लगता है यार कि किसी को डिसअपॉइंट होने की नीड है क्योंकि मंजिल आपकी कभी खत्म नहीं होती मंजिल आपको कभी नहीं मिलती जो सफर है जो सफर है वो आपको इंजॉय करना चाहिए और आई थिंक मैंने उस घर में सफर इंजॉय किया ट्रॉफी के लिए तो सब लड़ते हैं और अपनी औकात दिखाते हैं एक दूसरे का सारी अगर कर दिया का फोड़ दो माथा तो वो भी हो जाएगा और चंद्रिका कभी किसी को हट करके आगे नहीं बढ़ती जो है अपना है जैसा था परफेक्ट था बहुं अपना हंड्रेड परसेंट मैंने दिया थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच चंद्रिका फॉर कमिंग टू आर स्टूडियो और हमसे बात करने thank के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फॉल्ड थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जय श्री महाकाल